मुझको सजा देने से पहले मुझसे तो पूछ लो कि मेरी खता क्या है। दोस्तों, हमारा जो न्याय प्रणाली है वो नेचुरल जस्टिस पर टिकी होती है। यहाँ पर आप पूरा मौका दिया जाता है दूसरी पार्टी को, अक्यूज्ड को अपनी बात रखने का, और यहाँ तक कि जो जिसको मृत्यु दंड भी दिया होता है उससे भी पूछा जाता है कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। और क्रिमिनल केसेस में ये जो अधिकार है ये प्रयोग किया जाता है अक्यूज के द्वारा, जब उसकी 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जो एविडेंस है प्रोसिक्यूशन का वो कंप्लीट हो गया, सब गवाहों ने अक्यूज के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट दे दी, यानी कि अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा दी, यानी कि पूरा एविडेंस हो गया। उसके बाद अक्यूज से पूछा जाता है कि आप बताइए, आप इस जो केस है, ऑफेंस है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या आप इसको डिनाई करते हैं। और तब 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। दोस्तों, 313 की स्टेटमेंट के बेसिस पर आज बहुत सारे अक्यूज्ड वो बरी हो जाते हैं मामले में। और क्योंकि जो 313 की स्टेटमेंट होती है उसमें अक्यूज्ड वो सब चीज़ें डिनाई करता है जो प्रोसिक्यूशन है उसके खिलाफ प्रूव करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के संबंध में कुछ गाइडलाइन इशू की हैं। ऐसी 12 गाइडलाइन है, 12 सिद्धांत है, 12 नियम है जो हर कोर्ट को फॉलो करने चाहिए। और ये पूरी तरह से जो गाइडलाइंस हैं ये अक्यूज्ड के पक्ष में होती हैं, यानी कि अक्यूज्ड को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात रखे, और जो भी उस पर आरोप लगाए हैं, जो भी साक्ष्य उसके खिलाफ क्रिमिनल केस में प्रोड्यूस किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, वो उनको अच्छी तरह से डिनाई करे और अपना पक्ष रखे कि असल में ऑफेंस क्या हुआ था, किस तरह की स्थिति थी, कैसे जो है वो इस केस में आरोपी बनाया गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गाइडलाइन है, सिद्धांत है 313 की स्टेटमेंट को लेकर, वो एक क्रिमिनल अपील में उन्होंने ऑब्जर्व किए थे जिसका नंबर है 1730/2012 का केस है। हालांकि ये और केस का टाइटल है इंदिरा कुंवर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस था ये। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि 313 की स्टेटमेंट करवाए जाने का उद्देश्य अभियुक्त को एक मौका देना है कि उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों और गवाहों के संदर्भ में उसका क्या कथन है, वो क्या कहना चाहता है, जो भी एविडेंसेस उसके खिलाफ पेश किए गए हैं, और वो खुद पूरी परिस्थिति को स्पष्ट करे, यानी कि खुद अपनी जुबानी बताए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि 313 के बयान का मकसद अदालत और आरोपी के बीच एक संवाद स्थापित करना है, यानी कि एक डायलॉग स्थापित करना है कोर्ट के और अक्यूज्ड के बीच में, और आरोपी इस प्रक्रिया से अभियुक्तों को लाभ मिलता है और अदालत को केस में अंतिम निर्णय लेने में सहायता मिलती है, यानी कि इससे अक्यूज्ड का भी फायदा है और कोर्ट का भी फायदा है कि वो एक सही नतीजे पर पहुंचते हैं और एक अच्छा निर्णय जो है केस में लेते हैं। और तीसरा इसमें पॉइंट है कि जो 313 की स्टेटमेंट है वो महज एक औपचारिकता नहीं है, यानी कि एक फॉर्मेलिटी नहीं है जिसमें जिसका सीआरपीसी में प्रावधान है कि वो करनी ही करनी है, बल्कि ये जो प्रक्रिया है ये एक नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि नेचुरल और प्रिंसिपल जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह सुने बिना उसे सजा नहीं दी जा सकती, यानी कि ऑडी ऑल्टरम पार्टम का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू होता है। ऑडी ऑल्टरम पार्टम मतलब जो है वो नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि बिना किसी को सुने उसको सजा नहीं दी जा सकती। दोस्तों, इसमें चौथा पॉइंट है कि इस धारा का अंतिम उद्देश्य यह पता करना और सुनिश्चित करना होता है कि क्या आरोपी को उसके कथित अपराध के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने
और अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया है या नहीं दिया गया है, यानी कि उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, यही धारा 313 का जो है मूल इसका मकसद है, और ये मौका उससे जो है नहीं छीना जाना चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है पांचवा कि ऐसे बयान में आरोपी अपने ऊपर लगाए आरोप या अपराध में अपनी इन्वॉल्वमेंट स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। या तो वो ये कह सकता है कि मैं गिल्टी हूँ और अपना अपराध कबूल करता हूँ, और या ये कह सकता है कि मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ और मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, और यह भी और वह उस अपराध के संबंध में कोई और वैकल्पिक कथन या व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है, या वो कोई और जो स्टेटमेंट है वो दे सकता है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के अलावा, या अपराध स्वीकार करने या उसको रिजेक्ट करने के अलावा, और अपर्याप्त पूछताछ और किसी भी चूक के कारण आरोपी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता। यानी कि कोई 313 के स्टेटमेंट में कोई चूक हो गई है या उसने सही से जवाब नहीं दिया तो इसका जो इफेक्ट है एडवर्स इफेक्ट वो आरोपी पर नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों समय छठा पॉइंट है कि आरोपी के चुप रहने का अधिकार या किसी प्रश्न का उत्तर देना जो गलत हो सकता है उसका उपयोग उसके नुकसान के लिए नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर वो किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, और अगर वो किसी क्वेश्चन का जवाब गलत देता है तो इस आधार पर उसके केस पर कोई भी अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें दोस्तों सातवां पॉइंट है कि 313 का जो कथन है वो आरोपी की दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता और ना ही कोई ठोस एविडेंस है, क्योंकि ये कोई भी ठोस एविडेंस नहीं होता और ना ये सब्स्टिट्यूटेड एविडेंस होता है कि मान लो प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है और उसने आरोपी ने जो स्टेटमेंट दी है उसको एविडेंस प्रोसिक्यूशन बना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो ये कोई ठोस एविडेंस है ना सब्स्टिट्यूट एविडेंस बन सकता है। यह बयान अभियोजन पक्ष को एविडेंस देने से मुक्त नहीं करता, यानी कि उनकी जिम्मेवारी बनी रहेगी 313 की स्टेटमेंट के बाद भी, बल्कि अपना केस साबित करने में उनका बोझ कुछ कम कर सकता है प्रोसिक्यूशन का। और 313 की स्टेटमेंट अभियोजन पक्ष के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की सच्चाई की भी जांच करता है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंसेस पेश किए हैं केस में उनमें कितनी सच्चाई है वो 313 की आरोपी की स्टेटमेंट से भी पता चल सकता है। तो इसमें अगला पॉइंट है आठवां कि इस स्टेटमेंट को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि टोटैलिटी में पढ़ा जाना चाहिए, एक भाग को पढ़कर अलग से निकाल कर इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, यानी कि ये पार्ट्स में इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, बल्कि पूरे के पूरी स्टेटमेंट को समग्र तौर पर इसको पढ़ना जरूरी है। और दोस्तों इसमें नौवां पॉइंट है कि ऐसा बयान, क्योंकि ये शपथ पत्र पर नहीं होता, ओथ पर नहीं होती 313 की स्टेटमेंट, इसलिए इस बयान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 का के तहत एक जो सक्षम जो है साक्ष्य नहीं मान सकते, यानी कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 के तहत ये कोई एविडेंस नहीं होता, क्योंकि ये ओथ पर नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर इस कथन से कोई दोषारोपक पहलू निकल कर आता है, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट निकल कर आता है जो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में हो, तब इसका इस्तेमाल अभियोजन पक्ष के केस को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, उसका प्रयोग। इसमें दोस्तों दसवां पॉइंट है कि 313 के स्टेटमेंट में जो परिस्थितियां
आरोपी के सामने नहीं रखी गई हो, यानी कि जो सवाल उससे नहीं पूछे गए हो 313 की स्टेटमेंट में, उन्हें अदालत अपने विचार से बाहर रखे, उन पर अदालत कोई भी विचार ना करे, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछे गए हैं उनको बीच में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, और उनको स्पष्ट करने के लिए आरोपी को मौका नहीं दिया गया होता, क्योंकि ऐसे जो है कोई अगर सवाल है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आरोपी को कोई भी मौका नहीं दिया जाता। और दोस्तों इसमें 11वां पॉइंट है कि 313 की जांच में न्यायालय केस की सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों के प्रश्नों के रूप में रखने के आरोपी के सामने रखने के लिए बाध्य है, यानी कि जितना भी इंक्रीमेटिंग एविडेंस आरोपी के खिलाफ है वो सभी 313 की स्टेटमेंट के टाइम अदालत आरोपी के सामने रखेगी, और ताकि आरोपी को अपना बचाव स्पष्ट करने का पूरा मौका मिले, वो अपना एविडेंस उसी हिसाब से दे, और उस द्वारा प्रस्तुत डिफेंस पर अदालत को बड़ी सावधानी से जांच करके विचार करना जरूरी है, और जो भी वो एविडेंस पेश करे उस पर कोर्ट पूरी तरह से उसको जो है कंसीडर करे, विचार करना कोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों इसमें लास्ट पॉइंट है 12वां कि इस धारा का अनुपालन न करने से आरोपी के खिलाफ पूर्वाग्रह हो सकता है, यानी कि अगर ये कंप्लाई नहीं गई की गई सेक्शन 313 तो ये प्रिजुडिशियल होगी, आरोपी के खिलाफ होगी, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे अदालत को न्याय करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए 313 की स्टेटमेंट करवाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 12 पॉइंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 313 की स्टेटमेंट के संबंध में कोर्ट्स के लिए गाइडलाइन इशू की हैं, और इनकी अडेरेंस के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, और ये सभी के सभी पॉइंट आरोपी के पक्ष के हैं, ना कि जो है ये प्रोसिक्यूशन के पक्ष में जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।